हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी की अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। जल्द ही आपको और अलग अलग जगहों से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर लिखें, ताकि जब भी आपके नेटिव प्लेस से यानी कि आपके नजदीकी जगह से रिक्रूटमेंट आए तो उसकी सूचना आपको मिल सके। तो नीचे कमेंट करके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का नाम जरूर मेंशन कर देना है, ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो देखिए, 22 जनवरी इसकी आखिरी डेट है इस वैकेंसी की, और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा कुछ और भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आर्मी स्कूल वैकेंसी 2024 के लिए आई हुई है। तो चलिए सीधे पीडीएफ की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग भी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, तो 500 में आप जो है अपने आप को इनरोल करा सकते हो। 6 सेशन आपको यहां पे मिलेगा जूम या फिर गूगल मीट के माध्यम से, जहां से आप जो है अपने तैयारी को परख पाओगे। पिछले साल जिन लोगों का आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ है, जिन लोगों ने इंटरव्यू में इनरोल कराया है, उनको भी शामिल किया जाएगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत जो एक्सपीरियंस मिल सके और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो है कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो चलिए सीधे आगे बढ़ेंगे, और जो पीडीएफ आई है ना वो आपके साथ में साझा करता हूं। ये पीडीएफ आप खुद से जो है वेबसाइट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हो। वो आपको जो है मिल जाएगा कहां पे, टेलीग्राम के माध्यम से। देखिए यहां पे इन्होंने लिख रखा है 70% जिनका आया हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कितने परसेंटाइल वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका 70% आया हुआ है वो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सारी बातें क्लियर हो गई। तो देखिए, चाहे आपने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कभी भी पास किया हो, आपका 70% होना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ बातें इन्होंने लिख रखी है जिनका जो है परसेंटाइल, देखो यहाँ पे लिख रखा है, सच कैंडिडेट विदाउट ओएसडी कार्ड विल बी अपॉइंटेड एन और एडॉक बेसिस, यानी कि उनको एडॉक बेस पे रखा जाएगा, ऑब्जर्वर एज ए रेगुलर पोस्ट के लिए रखा जाएगा, और 70% रो या फिर 50% रॉस कर अगर उनका हो जाएगा तो उनको 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाय द वे, कोई डाउट होना तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाकर दे रहा हूं। एक तो है कि आर्मी स्कूल के वैकेंसी, इंटरव्यू, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग, आपको जो है जो भी टेस्ट होते हैं, डेमोस्ट्रेशन कैसे होता है, लेसन प्लान वगैरह की जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, तो उसे देख सकते हैं आप। दूसरी वीडियो जो है, कैसे आप चेक करोगे आप पास हो अथवा नहीं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से रिक्रूटमेंट आई है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की। सब्जेक्ट देखोगे तो भरे पड़े हैं, इंग्लिश के लिए 2, फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए 2, बायो के लिए 1, मैथमेटिक्स के लिए 1, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए 2, फिजिकल एजुकेशन के लिए 2, और पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। टीजीटी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक टीचर की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, दानापुर कहां है भैया, बिहार में है, और रामगढ़ कैंट कहां पे है, झारखंड में है। पीजीटी 1 मैथमेटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 1, इंग्लिश के लिए 1, टीजीटी की बात करूं तो फिजिक्स के लिए 1, हिस्ट्री के लिए 1 रिक्रूटमेंट आई हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल गया, यानी कि ये आपको कहां मिलेगा, बिहार में मिलेगा। टीजीटी के लिए हिंदी से 1, इंग्लिश से 1, फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1, बायो से 1 और कंप्यूटर साइंस से 1 रिक्रूटमेंट है। पीआरटी के लिए भी 1 वैकेंसी है। आखिरी डेट इसकी कब है अप्लाई करने की, 22 जनवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो इंटरव्यू का डेट है वो 30 जनवरी या 1 फरवरी रखा गया है 2024 में। 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और कुछ लोग पूछेंगे कि जिनको 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अलग अलग 100-100, 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होगा। तो ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी। बाय द वे, किसी तरह का कोई डाउट रहता हो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए होगी तो नीचे CSV आप लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को एक अलग से जो है पीडीएफ, जो एक वीडियो चाहिए होगा कि फॉर्म कैसे आप भरे। ठीक है, यहां से देखिए इन्होंने दे रखा कि कहां कहां जो है इसे पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर में, तो खैर उससे हम लोगों को कोई काम है नहीं, यही पे सारी जानकारी दे दी गई है। देखिए, दानापुर कैंट से जो अप्लाई करेंगे 9430488597 पे कॉल कर लीजिए। दूसरा नंबर है 8709341775, रात में कॉल मत करना, ऑफिस आर यानी कि 10 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले कॉल निपटा लीजिएगा। रामगढ़ कैंट के लिए नंबर है 9471543102। अब देखिए गया के लिए
00089 पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। तो 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको देखिए बनाना किसके है, वेस्ट पे बनाना है, तो देखिए जिस स्कूल के लिए जा रहे हो ना उसी के नाम पे आप जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे, ठीक है, अदरवाइज जो है दिक्कत आ जाएगी। बाय द वे किसी भी तरह की कोई डाउट हो ना तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए, इन लोगों का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनसे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज इसे मत भरना आप, इसका अच्छा से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। जिनको नहीं पता है वो ईमेल कर सकते हैं, ईमेल कर लीजिए, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे क्वालिटी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो @imithunsingh पे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वैकेंसी के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने एजुकेशन वाले व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, हैव अ गुड डे।